If the sum of two numbers is 55 and HCF and LCM of these numbers are 5 and 120 respectively, then the sum of the reciprocal is, उन दो नंबर्स का रेसिप्रोकल बताना है, उन दो नंबर के रेसिप्रोकल का सम बताना है, जो क्या है, जिनका सम है 55, HCF है 5 एंड LCM है 120. क्लियर? कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स. ठीक, नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी, कौन कौन से नंबर मान ले, ए एंड बी. पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी. गिवन क्या है, सम ऑफ नंबर ए प्लस बी कितना गिवन है, 55. एचसीएफ कितना गिवन है, 5. एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम गिवन है 120. क्लियर? इतनी चीजें हमें पता है. हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल. सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये रेसिप्रोकल हो गया, इनका सम बताना है हमें. दो नंबर कौन से हैं, ए और बी, दोनों के रेसिप्रोकल का सम बताना है. कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, देखो हम लोगों के पास क्या चीज़ है, एक फॉर्मूला है. ठीक है, कौन सा, एच सी एफ इंटू एल सी एम. ए बी क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, हमने लिख दिया ए इंटू बी. एच सी एफ कितना गिवन है, 5. एल सी एम है 120. कितना हो जाएगा ये, 600. ए इंटू बी की वैल्यू आ गई 600, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 55. क्लियर? अगर कहीं भी रेसिप्रोकल की बात कर देगा ना वो, तो क्या करेंगे, हमेशा हमारा मेन मोटो होता है, मेन टारगेट होता है, ए प्लस बी और ए इंटू बी को फाइंड आउट कर लेना. उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, ए प्लस बी को डिवाइड कर देंगे ए इंटू बी से. कितना हो जाएगा ये, 55 डिवाइडेड बाय 600. ठीक, अब क्या करेंगे, ये ए अपॉन ए बी लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल ब्रेक कर लो, एलसीएम तो ए बी था, ए अपॉन ए बी. ये कितना हो जाएगा, 5 से 11 टाइम्स 5, 120. ये क्या हो गया, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए. कितना आ गया ये, 11 बाई 120. क्लियर? जो क्वेश्चन में गिवन है ये कुछ नहीं निकल पा रहा है, क्वेश्चन में एक चीज की कमी है, नहीं मिल पा रही है, तो ये फॉर्मूला लगा के देख लो, अगर मिल पाती है तो, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे. रेशियो में नंबर्स गिवन है तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू देयर को प्राइम नंबर, देयर को प्राइम नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं. क्लियर? या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाए, आंसर निकल के आ जाए. थ्री नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551 एंड दैट ऑफ द लास्ट टू इज 1073. द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज, क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं. क्वेश्चन में दिया गया है हम लोगों को कि दो तीन नंबर्स हैं, जिनमें से शुरू के दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 551 और जो उसके बाद के, मतलब उसमें एक तो कॉमन ही हो जाएगा. मान लो तीन नंबर्स हैं तो पहले दूसरे का प्रोडक्ट 551, तो आखिरी और उसके एक पहले वाला कौन सा हो गया, सेकेंड नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला, वही तो हो गया क्योंकि तीन नंबर है, उसका प्रोडक्ट कितना है, 1073. हमें क्या बताना है कि तीनों नंबर्स का सम कितना हो सकता है, तीनों नंबर का सम क्या बताना है, कितना होगा. गिवन है को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है एक्स वाई जेड में. क्वेश्चन में गिवन है, हमने पहले मान लिया नंबर्स को एक्स वाई जेड, पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है 551, दूसरे और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट है कितना, 1073. क्लियर? को प्राइम नंबर से मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों नंबर्स में. क्लियर? ठीक है, अब एक चीज ये देख रहे हैं हम लोग कि यहां पे क्या है, वन है, यहां पे क्या है, वन है. तो हम लोग ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जिसके प्रोडक्ट में वन आ जाए. ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन देखेंगे यूनिट डिजिट के जिसके प्रोडक्ट में वन आ जाए, और वो क्या हो, वो क्या हो, दोनों नंबर को प्राइम हो, दोनों नंबर को प्राइम हो. ठीक, एक तो वन हो सकता है, वन का वन में मल्टीप्लाई, फिर थ्री का सेवन में मल्टीप्लाई, फिर नाइन का
9 में मल्टीप्लाई, सिर्फ ये तीन कॉम्बिनेशन होंगे जिनमें क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट में वंस प्लेस वाली जो डिजिट है, यूनिट्स प्लेस वाली, वो 1 आ जाए। जैसे 1 × 1 आ जाएगा, 7 × 3 = 21 आ जाएगा, 9 × 9 = 81 आ जाएगा। मतलब ये जो प्लेसेस है ना, ये यूनिट डिजिट की प्लेस है, यूनिट डिजिट की प्लेसेस है, ठीक है। ये इसके आगे और भी कोई नंबर हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि को प्राइम नंबर्स हैं और उनमें क्या आता है, एंडिंग में 1 आता है, 1 और 1, क्या 1 × 11 आ पाएगा? नहीं। 1 × कितना हो जाएगा ये, 21 नहीं हो पाएगा। क्या 11 × 21 तो कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, ठीक है, क्लियर बात। 11 × 21 भी हो सकता है क्योंकि को प्राइम बोला, ऐसा नहीं बोला है प्राइम नंबर है, लेकिन 11 × 21 करेंगे तो 200 कितना आएगा, 31 आएगा, क्लियर। फिर क्या कर सकते हैं, 31 × कुछ करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे हम 3 और 7 के लिए, 9 और 9 के लिए, क्लियर, क्लियर है बात यहां तक। अब हम लोग नंबर देखते हैं कौन सा हो सकता है, क्लियर। हमें प्राइम नंबर, सबसे पहले ऐसे नंबर देखो जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो, वो क्या होंगे, वो उनका एचसीएफ 1 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्लियर है बात, बात क्लियर है। क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं वो क्या होंगे, को प्राइम भी होंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहां से, 23 × 27 हो गया, नहीं, 23 × 17 हो गया, नहीं, 23 × 17 कितना होगा, 23 × 17 कितना होगा, 460 से कभी कम हो जाएगा ये, तो 33 नहीं हो पाएगा, 43 × 7 43 × 280 के आसपास नहीं। 9 पे जाते हैं, एक 1 रखा, 19 का स्क्वायर कितना होगा, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। 19 × 29 करके देख लें, 19 × 29 करके देख लें कि अभी हो जाए, क्योंकि 29 × 2 कितना होता है, 29 × 2 = 58, ये 58 के आसपास ही तो हो रहा है, 580 के पास, 580 के आसपास ही हो रहा है ये, देख लेते हैं कितना होगा, 19 × 29 कितना होगा, 551 हो गया, मतलब 551 हो गया यहां से, क्लियर। एक नंबर हो गया 19, एक नंबर हो गया 29, ठीक है, 551, क्लियर। एक नंबर हो गया 19, एक 29 हो गया। अब हमें ये नहीं पता है कि वो x है या y है, प्रोडक्ट पता है बस हमें। दूसरी चीज हम यहां से नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दो नंबर्स हैं, ये नंबर्स नहीं, ये जो प्रोडक्ट निकल के नंबर आए ना, किसी भी नंबर को हम, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, किन के, 551 और 1073 के। इसका मतलब ये कि y दोनों में आ रहा है, मतलब y क्या है, HCF हो गया ना, y क्या हो गया, y तो HCF हो गया, y क्या है, HCF हो गया, क्लियर, क्या हो गया, y तो HCF हो गया यहां से, बात क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग देखेंगे कि 19 और 29 में से अगर y डिवाइड कर पाता है, हो सकता है y 19 हो, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा 19 से, हो सकता है कि 29 हो, 29 से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड नहीं होगा, किससे, दोनों से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों से डिवाइड कैसे हो जाएगा, जब दोनों से डिवाइड 551 होता है तो 1073 कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, कॉमन होता तो डिवाइड हो जाता। अब 19 से डिवाइड करके देखें किसको, 1073 को, 1073 को डिवाइड करके देख लेते हैं। हम यहां से क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि y क्या है, y क्या है, अगर 19 हमने डिवाइड किया ना 19 से और डिवाइड हो गया कंप्लीटली तो y 19 है, 29 से किया और डिवाइड हो गया तो 29 क्या है, HCF है, ठीक है। पहले 19 से कर लो, 19 × 5 = 95, कितना बचा, 123, कितना हो जाएगा ये, 6 × 6 = 114, नहीं हो रहा ये तो, मतलब 19 क्या है, HCF नहीं है, 19 HCF नहीं है, मतलब HCF कितना हो गया, 29 हो गया HCF, 29 हो गया HCF, HCF से करके देख ले, अब तो होगा ही, क्योंकि अगला नंबर कौन सा था, 29 ही तो बचा था, 29 × 3 = 9 × 3 = 27 2 87 203, 9 के टेबल में 3 मतलब 7 टाइम्स आता है, 7 × 9 = 63 6 = 20 37 हो गया, मतलब y कितना हो गया, x हमारा कितना हो गया, अगर HCF हमारा 29 है
HCF मतलब y अगर 29 है तो x यहां से क्या निकल गया था 19। अगर y 29 हो गया तो z कितना हो जाएगा 37, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट, ये तीनों क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को ऐड कर लो, क्या करो तीनों को ऐड कर लो, x प्लस y प्लस z कितना हो जाएगा 29 प्लस 19 प्लस 37, ठीक है 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, आखिरी में 5 आना चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्लियर। अब क्या होगा 20, ये कितना हो जाएगा 30, दोनों को मिला के 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 25 85, तो 85 क्या है आंसर, क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर हो गई। क्या किया हमने, तीन नंबर्स ले लिए, तीनों नंबर क्या देख लिए, एक नंबर कॉमन था, जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है, तो वाई एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो वाई एक ऐसा नंबर है जो 551 को भी डिवाइड करेगा और 1073 को भी क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या था, 551 और 1073 का एलसीएम ले लो तो वाई आ जाएगा, वाई आ जाएगा तो एक्स भी आ जाएगा, वाई आ जाएगा तो जेड भी आ जाएगा, लेकिन वही तो करना है हमें, वही तो समझना है कि दोनों का, दोनों ऐसे एक नंबर्स हैं जो कि क्या है बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े नंबर से और छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहे, ठीक। तो जैसे हमने यहां से किया है वैसे वहीं से कर लेंगे हम लोग, आंसर तो क्या होगा उसी टाइम में आएगा, ठीक, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, क्लियर। तो हमने नंबर्स का पेयर बना लिया 1929, ठीक। यहां से क्या हुआ, एक नंबर 19 हुआ 29 हुआ, हमें अभी कुछ भी नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ दोनों के प्रोडक्ट का पता है कि 551 हो रहा है, ठीक। फिर हमने क्या किया कि अगर y की वैल्यू 19 है तो y यहां भी होगा, y की वैल्यू 19 तो यहां भी y की वैल्यू 19, अगर 19 से डिवाइड कर दे तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 19 से किया नहीं हो पाया क्योंकि कितना बचा, ये 21 बचा, रिमाइंडर 21 बचा, मतलब रिमाइंडर 2 बचा, ठीक, नहीं हो पाया। फिर हमने 29 देखा कि हो सकता है या 19 नहीं है, 19 हो सकता है x हो और y कितना हो 29, 29 से करके देख लो हो जाए, हो गया 29 से, मतलब 29 इंटू 37 किया, 29 इंटू 37 किया तो 1073, z की वैल्यू 37, तीनों को ऐड किया और आंसर ले आए, क्लियर है बात। द एलसीएम ऑफ 165, 176, 385 एंड 495 इज k, व्हेन k इज डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स द क्वेश्चन इज p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। चार नंबर्स गिवन है, हमें बताया गया है कि जो इन चारों नंबर्स का एलसीएम आएगा उसे बोला जाएगा के, अगर उस के को हम डिवाइड करेंगे एचसीएफ से तो जो क्वेश्चन आएगा वो पी आएगा, हमें बताना है पी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, ठीक। देखो नंबर्स कौन कौन से हैं, 165, दूसरा 176, तीसरा 385 एंड फोर्थ वन इज 495। अब हम क्या करें, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दें, किससे डिवाइड होगा 3 से, कितने टाइम्स 3, 55 को लिख सकते हैं 5 into 11, 2 से जाएगा कितना बचेगा 88, फिर 2 से जाएगा कितना बचेगा 44, फिर 2 से जाएगा कितना बचेगा 22, फिर 2 से जाएगा कितना बचेगा 11, कितने से डिवाइड होगा, 3 से होगा क्या, नहीं क्योंकि सम डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, हाँ बिल्कुल 5 से, 7, 5 7 सा 35, बचा कितना 3, 35, 77, 77 मतलब 7 into 11, 495 3 से होगा क्या, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 5 18, डिविजिबल बाय 3 है तो 3 से भी होगा ये, क्लियर। कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 165, फिर 3 से होगा 55 मतलब 5 into 11, क्लियर। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमसे एलसीएम फाइंड आउट करने का बोला है, पहले तो एलसीएम मतलब क्या, यहाँ पे के है, क्या होगा एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 3 दिख रहा है 3 लिख दिया, 5 दिख रहा है लिख दिया, 11 दिख रहा है लिख दिया, फिर 2 दिख रहा है लिख दिया, इनके अलावा कोई अलग नंबर दिख रहा है क्या 2, 3, 5, 11 के अलावा, नहीं, 2 की मैक्सिमम पावर 4 लगा दी, 3 की मैक्सिमम पावर 2 लगा दी यहाँ पे, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 11 की मैक्सिमम पावर 1 है, कितना होगा ये, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 7 भी है एक, 7 भी है एक, क्लियर। कितना हो जाएगा यहाँ से,
यहां से हम लोगों के पास हो जाएगा 11 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 11 क्या है, HCF है, सिर्फ 11 क्या है, HCF है। कॉमन क्या है चारों में, सिर्फ 11 ही तो है। 11 क्या कुछ दिख रहा है क्या, 2 कॉमन है क्या, नहीं 2 यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। 3 कॉमन है क्या, नहीं यहां नहीं है। 5 यहां नहीं है, 7 यहां नहीं है, 11 सब जगह है। तो HCF कितना आ गया, 11 आ गया। HCF कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक, हमसे क्या बोला है कि जब हम K को डिवाइड करते हैं HCF से, मतलब LCM को डिवाइड करते हैं HCF से, मतलब ये क्या है LCM, ये 11 क्या है, HCF ही तो है। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, ये 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, यही बोला गया है, यही बोला गया है। क्लियर, LCM मतलब K डिवाइडेड बाई HCF डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो ये जो K डिवाइडेड बाई HCF दिया है ना, When K is divided by HCF, K को डिवाइड किया HCF से तो क्या मिलेगा P, तो क्या यही तो P है हम लोगों का, क्या यही P है, बिल्कुल हाँ, इसी को P कहा जाता है। कैसे, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। अभी हम रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजर कितना है, LCM मतलब K इज डिवाइडेड बाई HCF, HCF देन द क्वेश्चन इज क्यू। अब इस केस में क्या है, डिवीजर क्या है LCM, HCF क्या है HCF, और क्वेश्चन क्या है इस केस में P, तो K डिवाइडेड बाई HCF कितना हो जाएगा, P हो जाएगा नहीं हो जाएगा, K मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू P, तो K अपॉन 11 इज इक्वल टू P, K अपॉन HCF कितना है, 11 मतलब HCF है, P आ गया, इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 7, क्लियर, इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, 1 2 बाहर निकाल लिया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, क्लियर, ये 2 और ये 5 मिलके एक 10 बना लेगा, बाकी सॉल्व कर लेंगे क्या, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 बन गया, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 बन गया हम लोगों के पास। क्लियर, इसे सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं, ये सीक्वेंस है, ठीक, क्या है ये एक सीक्वेंस है, ठीक, 7 8 9 10, 7 8 जो कितना होता 56, 56 इंटू 9, 56 इंटू 9 कितना होगा 56 इंटू 9, 9 6 जो 54, 49 ये 50 हो जाएगा, 96 से 54, LCM क्या है कैरी 5, 95 से 45, 45 प्लस 5 50, 504 कितना हो जाएगा 504, और एक 2 इंटू 10 भी तो था, 0 हो गया 5040, 5040, क्लियर है बात, क्लियर है बात। LCM निकालो, HCF निकालो, डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा भाई P है, बस इतनी सी बात है। The HCF of the two numbers is 23 and the other two factors of their LCM is 13 and 14, the larger of the two numbers. दो नंबर गिवन है हम लोगों के पास, हमें बोला गया है दोनों नंबर का HCF है 23 और ये बताया गया है कि जो LCM है उसके अदर दो फैक्टर कौन कौन से हैं, 13 एंड 14। इसका क्या मतलब है, अदर का क्या मतलब है, मतलब पहला फैक्टर कौन सा बोल रहा है, वो पहला फैक्टर है HCF, obvious ही बात है, LCM is equal to HCF into क्या हो जाता है यहाँ पे co-prime numbers का multiplication, जो numbers होते हैं वो co-prime number अगर है तो उनका multiplication, नहीं तो दोनों के जो co-prime वाले part हैं, जो co-prime वाले part हैं उनका multiplication कर देंगे, ठीक है। तो the larger of the two number is, मतलब दोनों में बड़ा number बताना है, कैसे करेंगे, HCF गिवन है कितना 23 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ LCM,
क्या है 13 and 14। अदर दो मतलब एक तो HCF हो गया 23, अभी लिखा था ना हमने LCM is equal to HCF into X into Y, X और Y क्या होने चाहिए, co-prime होने चाहिए। यहां देख लो X और Y क्या है, co-prime है, मतलब क्या होगा, एक नंबर क्या होगा HCF into X और दूसरा नंबर क्या होगा Y into HCF। ठीक, तो LCM क्या हो जाएगा हम लोगों का HCF into XY, ये co-prime पार्ट है। अगर ये co-prime नहीं होते तो इसका कुछ पार्ट HCF में चले जाता, इसका भी चले जाता, तो HCF कुछ अलग आ जाता हम लोगों का। लेकिन ये क्या co-prime नंबर से, 13-14 co-prime नंबर से, यहाँ पे ये जो लिखते हैं ना हम लोग, ये co-prime चीज लिखते हैं। X और Y co-prime है अगर, तो यहां से X की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हम लोगों की, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, क्लियर, X हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो यहां से एक नंबर क्या हो जाएगा, X मतलब 13 इंटू HCF कितना है 23, N2 कितना है 14 इंटू 23, बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसमें 14 का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 23 इंटू 10 230, 230 प्लस 92 322 आ रहा है, यही आंसर है। छोटा वाला नंबर बोलता तो कितना, 322 में से 23 गया तो कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन और दिया 299, ये हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, कैसे किया, HCF पता है, LCM का बोला गया कि अदर दो फैक्टर से हमें समझना है कि एक फैक्टर तो हमेशा HCF तो होगा ही, उसमें अगर क्या मल्टीप्लाई करते, दोनों नंबर्स के co-prime पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें जो कि है XY। 13 और 14 दिख रहा है, ये क्या है, एक दूसरे के co-prime है, 13 प्राइम है लेकिन 14 प्राइम है क्या, नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर co-prime नंबर्स क्या हो, प्राइम हो, लेकिन ये जरूरी है कि जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, सारे के अगर पेयर बना ले तो co-prime निकलेंगे। ठीक, इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा था LCM क्या होता है, HCF into co-prime number of those numbers, और वो नंबर क्या होगा N1 equal to X into HCF, N2 Y into HCF, clear? तो यहां से X की वैल्यू पता लग गई, X और HCF 23 तो था ही गिवन है, यहां से हमने क्या सॉल्व कर लिया, यहां से हमने सॉल्व कर लिया N2 के लिए, बड़ा वाला पार्ट क्लियरली दिख रहा है 23 सेम है, 13 बड़ा है कि 14 तो 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 आएगा, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 13 and 445, HCF कितना गिवन है, HCF गिवन है 13, LCM 455, HCF 13, LCM गिवन है 455, क्लियर, रेस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 and 125 देन दैट नंबर इज, ठीक, क्या बोल रहा है कि उनमें से एक नंबर लाई करता है 75 और 125 के बीच में, तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है, क्लियर बात। देखो सबसे पहला काम, नंबर मान लो, लेट द नंबर बी N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो X कोई उसका क्या है मल्टीपल है 13, X क्या है co-prime है किससे, Y से, X और Y co-prime नंबर से, HCF तो 13 है, तो नंबर कितना हो गया HCF into some co-prime number, क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, हम लोग लिख देंगे N1 is equal to HCF into LCM 455, क्या होगा यहां से 13 से 13 कैंसिल कर दें तो X into Y कितने निकल जाएगा 455 डिवाइड होगा 13 से, क्या, हाँ 13 से डिवाइड होगा, 13 2 26, 13 3 39, 39 बचा कितना 65, 5 टाइम्स तो 35, X into Y कितना आ गया 35। अब X और Y के हमें क्या बना के देखना है, पेयर्स बना के देखने हैं, कौन कौन से पॉसिबल है, X into Y मतलब दो नंबर देखना जिनका मल्टीप्लीकेशन 35 आए,
क्लियर। 1 × 35 भी आता है 35, 5 × 7 का भी 35 आता है। क्लियर, सिर्फ दो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास। 35 और किसी भी तरीके से आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। 35 के फैक्टर होंगे 1, 5, 7 एंड खुद 35, 1, 5, 7, 35। क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 रख दी, तो n 13 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 35, ठीक, पहला केस। तब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दी तो 13 आ जाएगा नंबर, n1 बराबर 13, और n2 कितना हो जाएगा, 13 × 35 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इन दोनों में जो कि किसके बीच में लाई करता हो 75 और 125 के। इसका मतलब ये नहीं है 110% यही नंबर होगा। देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है तो n1 कितना आ जाएगा, 13 × 5। n2 कितना आ जाएगा, 13 × 7। एक वैल्यू आती है 65 और एक वैल्यू आ जाएगी 91। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा हो गया जो लाई करता है दोनों के बीच में, 91। इन दोनों केस में जब x की वैल्यू 1 और 35 रखते हैं तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता है जो 75 और 125 के बीच में हो। एक नंबर कम आ रहा है, एक नंबर ज्यादा आ रहा है। अगर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 रखेंगे तब जाके हमारे पास एक पॉसिबल नंबर आता है 91, जो कि किसके बीच में, 75 और 125 के बीच में। क्लियर, तो n2 क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, जो कि क्या है, 75 और 125 के बीच में।